जय हो यमुना मैया की। दोस्तों आप देख रहे हैं माँ यमुना की पहली तस्वीर। इन पहाड़ों से आती हुई यमुना मैया जिसका दर्शन करने हम आज निकले हैं। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आपका चहिता राइडर अविनाश आज आपको लेके जा रहा है उत्तरांचल के पहले धाम यानी यमुनोत्री धाम पे। तो दोस्तों हम कल रात को जब चेक इन हुए थे उस लोकेशन का नाम है स्याना चट्टी। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके हैं यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए। दोस्तों इन शॉर्ट बता देता हूँ, स्याना चट्टी से हनुमान चट्टी हम लोग जाएंगे, हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी जाएंगे और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर का ट्रेक, बकायदा 2 घंटे का यह ट्रेक होगा, वो कंप्लीट करके हम यमुना मैया के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। तो दोस्तों राणा चट्टी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है राणा चट्टी। दोस्तों चट्टी का मतलब क्या है अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, चट्टी का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों राणा चट्टी से हम लोग थोड़ी दूर निकले थे, बहुत ही मनोहरी दृश्य यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यमुना माता का उगम स्थल यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये देखिए यमुना मैया नीचे बहती हुई। और दोस्तों ये दिखा देता हूँ हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है। टोटल ऑफ रोड राइड होगी दोस्तों ये 20 किलोमीटर की तकरीबन। चलिए दोस्तों हमें भी लाइन में लगना है इन गाड़ियों के पीछे पीछे। दोस्तों वैसे तो उत्तरांचल में ट्रैफिक जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर हमें यमुनोत्री जाते वक्त यहाँ पे अच्छा खासा लंबा जाम लगा हुआ दिख रहा है। पता नहीं ये कितने किलोमीटर्स का होगा, मगर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वो पूरी लाइन यहाँ पे स्टक हो चुकी है। ओके दोस्तों, जिस लोकेशन पे हम आ चुके हैं उसका नाम है हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी से फूल चट्टी जो है वो 6 किलोमीटर है। टोटल यहाँ से यमुनोत्री का ट्रेक जो है वो 14 किलोमीटर है। दोस्तों फूल चट्टी पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको दिखा देता हूं एक बार, ये है फूल चट्टी। यहाँ पे आके रात को नाइट को स्टे करते हैं लोग, जो लोग यमुनोत्री से आने के लिए लेट हो जाते हैं वो भी यहाँ पे स्टे करते हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो जानकी चट्टी है। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये रोड जो है वो जाता है जानकी चट्टी के लिए, आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सामने जो है वो है जानकी चट्टी, और यमुनोत्री माँ का उगम के लिए इससे भी आगे इस पहाड़ के नीचे हमें जाना है। आप देख सकते हो कैसा रोड है यहाँ पे। कच्चा रास्ता है दोस्तों, मगर राइड के लिए बहुत मजा आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये नवीन अरिया राज होम स्टे है और यहाँ पे ये शॉप है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग एनर्जी ले रहे हैं 2 मिनट का मैगी खा के। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है दोस्तों, अगर आप आते हो यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए तो आपको दिखेगी भक्तों की बहुत सारी भीड़ यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे दीपा मैडम ने एक लाठी ले ली है। भैया कितने की है लाठी? 40 की। ये सब गठरी पूरी 40 रुपए में? एक 40 की है, 140 की है, एक 40 की, एक लकड़ी 40 रुपए की। ओके ठीक है, ले लेते हैं फिर एक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये डोली वाले भाई साहब डोली का रेट बता रहे हैं। कितना है भैया? गवर्नमेंट रेट है।
8000 रुपए गवर्नमेंट रेट है। 8000 रुपया भी पता कर लेना आप। तो दोस्तों एक आदमी के लिए 8000 का गवर्नमेंट का रेट है और ये 5 किलोमीटर का डोली का चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े यमुनोत्री के लिए। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पोनी मिलती है और इस पोनी का रेट जो है दोस्तों वो केजीज के हिसाब से होता है। जानकी चट्टी की जो पार्किंग है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। सनशाइनिंग डे दोस्तों, धूप निकल चुकी है और आप देख सकते हो धूप में चलना थोड़ा इजी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये है ग्लेशियर। तुम बड़े चलो वीर, तुम बड़े चलो। तो दोस्तों यहाँ पे यमुना मैया के दर्शन के लिए सभी भाविक एकदम जोश से भरे हुए हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, मगर चलने की वजह से बॉडी वार्म हो चुकी है और जैसे जैसे डेस्टिनेशन नजदीक आ रहा है दोस्तों, लोग और ज्यादा रोमांचित हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, थोड़े ही किलोमीटर के बाद हमें दर्शन होने वाला है यमुनोत्री मैया। ओके दोस्तों, तो तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का जर्नी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी है सिर्फ 4.75 किलोमीटर। ओके दोस्तों, यहाँ पे रेट चार्ज दिया हुआ है यमुनोत्री के लिए, अगर आप घोड़ा कंडी या फिर कूली करते हो तो उसका चार्ज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये है काउंटर जहाँ से आपको पर्ची लेनी पड़ती है घोड़ा या डोली के लिए। दोस्तों ये है रूट यमुनोत्री के ट्रैक का और ये है यमुना मैया। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये लोकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा और इस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाया है वही फॉर्म यहाँ पे दिखाना है, जिसको स्कैन करके आपको इस हिसाब से एक पर्ची यहाँ पे मिल जाती है। हमने अपनी पर्ची निकाल ली है, आप जल्दी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए पहुँच जाइए। जय हो यमुनोत्रा माता की। दोस्तों यहाँ पे जो है खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और आप देख सकते हो थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है। एक बार अगर ये क्रॉस कर लेते हो तो दोस्तों यमुना माता के दर्शन के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके दोस्तों, तो तकरीबन 80% जो टफ रास्ता था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही बढ़िया नजारा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नजारा है। और ये देख लीजिए दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खड़ी चढ़ाई वाला आखिरी पड़ाव यहाँ पे आ चुका है और बस आपकी मंजिल बहुत नजदीक हो गई है दोस्तों। तकरीबन 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और 2 किलोमीटर चलना है। और दीपा मैडम क्या चल रहा है, सब बढ़िया? बढ़िया। दोस्तों देखिए कितना मनोहर दृश्य है, लहराता हुआ भारत का झंडा और हिमालय रेंजेस वो भी बर्फ से ढकी हुई, बहुत ही बढ़िया नजारा है दोस्तों।
तो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी हमें तय करनी बाकी है। अगर इसी स्पीड में चलते रहे दोस्तों तो 20-25 मिनट में हम लोग मंदिर तक पहुंच जाएंगे, ऐसी आशा है। थक गए दोस्तों, बहुत सारी थकान है, कल की राइड की भी तकलीफ थी, मगर जो जोश है वो कम नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए जाते हैं माता रानी के दर्शन में, उसके दरबार में। दोस्तों यमुनोत्री में यात्रियों की भीड़ जुड़ चुकी है और पूरा जाम यहाँ पे लग चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे यात्री, पूरा जाम लग चुका है, पूरा जाम। ओके दोस्तों, तो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन दोस्तों हमारे नजरों के सामने है। दोस्तों फिर भी 20 से 25 मिनट की दूरी हमें कवर करनी है। तो चलिए दोस्तों माता रानी के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। बोलो यमुना मैया की जय। ओके दोस्तों, आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये सब डोली वाले जो है, देखो पत्थरों पे कैसे यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं। नपुर वाले दोस्तों थक जाते हैं ये लोग, विश्रांति करने के लिए नीचे तो बैठ नहीं सकते, इसके लिए अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं। ओके दोस्तों, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। बोलो यमुना मैया की जय। दोस्तों मंदिर में एंट्री करने के पहले जो आपका यात्रा कूपन है वो यहाँ पे आपको स्कैन करना है। एक स्कैनिंग मशीन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उस स्कैनिंग मशीन पे आपका यात्रा कूपन स्कैन करना है, उसके बाद में आपको यात्रा का टोकन यहाँ पे मिलता है। तो जैसे ही आप आते हो दोस्तों ये लोकेशन से, यह छोटा सा एक ब्रिज है और ये ब्रिज के ऊपर ही ये मशीन इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों मंदिर के एंट्री पे ही जैसे आप देख सकते हैं स्टेयर केस स्टार्ट हो रही है और ये स्टेयर केस के कॉर्नर पे ही आपको यहाँ पे एक जूता स्टैंड मिलेगा जो कि 10 रुपया पर पेयर आपको यहाँ पे करने होते हैं। यहाँ पे जूते निकालना है और आपको आगे मंदिर में दर्शन के लिए निकलना है। तो यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों के लिए गर्म पानी के कुंड है, यहाँ पे आके लोग स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ से दर्शन के लिए आगे निकलते हैं। दोस्तों ये चीज जो है वो गर्म पानी है और इतना गर्म है दोस्तों कि यहाँ पे जब अब ये टाइल्स पे चलते हो तो आपको फील होता है कि आप गर्म तवे पे चल रहे हो। बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, ऐसे ही एक कुंड नीचे लेडीज के लिए भी बनाया गया है। ये है जेंट्स स्थान और इसके ही नीचे जो है वो लेडीज के लिए स्नान के लिए जगह बनाई गई है। तो गर्म पानी के कुंड के पास आते के बाद जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मंदिर दिखाई देता है, हनुमान जी का ये मंदिर है दोस्तों, देख सकते हो। दोस्तों यही है वो तप्त कुंड, आप ध्यान से देख सकते हो उसमें से पानी की वाफ आ रही है। ध्यान से देखो दोस्तों पानी की वाफ यहां से आ रही है, कितना गर्म पानी होगा सोच सकते हो दोस्तों।
यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो पूरे गर्म पानी की बाफ आ रही है। यहाँ पे जो पोटली रखी है उसके अंदर चावल होता है जो कि प्रसाद रूप में यहाँ पे लिया जाता है, तो यही पानी जो है वो आगे चला जाता है। आप देख सकते हो कितनी गर्म बाफ यहाँ से आ रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सूर्य कुंड। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी को पूरा उबाल आ चुका है और इसमें चावल का प्रसाद दोस्तों देते हैं। चावल का प्रसाद मतलब क्या है कि कच्चे चावल इसके अंदर डाले जाते हैं। ये जो पोटली आपको यहाँ पे दिख रही है, इस पोटली के अंदर यहाँ पे चावल डाले जाते हैं कच्चे, और पानी इतना गर्म है दोस्तों आप देख सकते हो कि पानी के अंदर चावल उबल जाते हैं और उसका ही प्रसाद लोग यहाँ पे खाते हैं। तो दोस्तों ये है सूर्यकुंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के चार धामों से पहला धाम माँ यमुनोत्री के दर्शन यहाँ पे हो चुके हैं। दोस्तों हम लोगों ने 5 बजे यात्रा शुरू कर ली थी, 5 से 6 बजे तक हम लोग पहुँचे थे बेस कैंप तक, जबकि जानकी चट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बेस कैंप से तकरीबन 10 मिनट का नॉर्मल वॉक करके हम लोग अपने ट्रेकिंग के लिए स्टार्ट हो गए। आने दो दोस्तों, ट्रेक करने को यहाँ पे टोटल 8 किलोमीटर का ट्रेक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कभी 6 किलोमीटर है, कभी 5 किलोमीटर है, कभी 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों टोटल 8 किलोमीटर का ट्रेक यहाँ पे है, उसमें से 3 किलोमीटर जो है वो फ्लैट है और उसके बाद का 5 किलोमीटर का ट्रेक जो है वो स्टीप है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है, तो साथ में वुलन वेयर्स और रेनी वेयर्स ये आपको साथ में कैरी करना है। आते वक्त कम से कम 3 लीटर पानी आपके साथ होना जरूरी है, और खाने पानी के लिए ड्राई स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स आप साथ में कैरी करेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए होगी। दोस्तों साथ में यह भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑन दी वे लैंडस्लाइड हो जाए और आपको यहाँ पे रुकना पड़े, तो उस हिसाब से एक जोड़ी कपड़ा आपको रखना जरूरी है। अगर आप चद्दर नॉर्मली कैरी करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, मगर यहाँ पे रात का टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री तक चला जाता है, उसके वजह से चद्दर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगी। मगर कंबल ऊपर से नीचे लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो दोस्तों आपको अगर कैरी करना है तो छोटा सा एक प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक जिसके ऊपर आप बिछा के सो सकते हैं, और साथ में एक बेडशीट आपको उसके ऊपर डालने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट धाम के लिए निकल पड़ते हैं, बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुका है, दोपहर के बज चुके हैं 1। दोस्तों 6 किलोमीटर का ये डाउन स्टेयर ट्रैक है, तो बहुत सारे लोगों की गलती है यही होती है कि रिटर्न के लिए स्टीप है, ढलान है तो वक्त कम लगेगा। दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होता, ढलान में पैर जो है वो अकड़ जाता है, घुटनों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसके वजह से यह ट्रैक उतरते वक्त बहुत सावधानी से और आराम से उतरना है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।